एकादशी पर नाहन की पवित्र रेणुका झील में श्रद्धालुओं ने शाही स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। सुबह करीब 4:30 बजे शाही स्नान शुरू हुआ और लोग बड़ी संख्या में यहां दिन भर शाही स्नान करते नजर आए। कहा जाता है कि आज के दिन पवित्र झील में स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। श्रद्धालुओं ने बताया है कि वो पिछले कई सदियों से यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रॉपर मैं बकरास पंचायत हूं और जो हम यहां पे आते हैं वो देवते के लिए अनाज चढ़ाते हैं। ये इसलिए चढ़ाते हैं कि भाई हमारी फसल को जो है हर बारी अच्छी उन्नति मिले और इसी वजह से हम भगवान परशुराम और रेणुका माता के लिए हम यहाँ पे अनाज चढ़ाते हैं और ये हमारी प्रथा है और ये तो बुजुर्गों से लेकर है जी ये आ रही है। ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने भी यही बोला है कि जो हमारी फसल होती है हर साल की तो हम यहाँ पूजा के लिए जाते हैं, चाहे गेहूँ हो चाहे मक्की हो। सारे जितने एरिया है हमारा रेणुका कौनसी जितना भी है सिरमौर का, वो यही परंपरा निभाते है कि हमारी फसल अच्छी हो। एकादशी के दिन यहाँ भगवान परशुराम और माँ रेणुका जी को अन्न चढ़ाने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है जो आज भी कायम है। लोग यहाँ उत्पादित अनाज इस कामना के साथ भगवान परशुराम और माता रेणुका जी को अर्पित करते हैं कि अगले बरस उनके पास अनाज का और अच्छा उत्पादन होता है। श्रद्धालुओं ने बताया है कि फसल का कुछ अंश यहाँ अर्पित करने से पैदावार में वृद्धि होती है और यही कारण है कि उनकी यहाँ से गहरी आस्था जुड़ी हुई है। चतुर्मास का जो है समापन है, भगवान जो विष्णु 4 मास के शयन काल के बाद जो है आज देवउठनी एकादशी का महत्व है, क्योंकि इस दिन जो भगवान विष्णु जो है जागृत होकर के संसार का पालन करने के लिए अब तैयार हैं और इसी महत्व के चलते सतयुगी कालीन जो ये तीर्थ श्री रेणुका जी झील है यहाँ पर लोग स्नान ध्यान दान अब ब्रह्म मुहूर्त से ही करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और सामने आप ये देख रहे होंगे जो ये अन्न के जो लगाए गए हैं यहाँ पर ये बिछाए हैं इन्होंने चादर, इसके ऊपर जो है श्रद्धालु स्नान ध्यान करके जो है अन्नदान करते हैं। अन्नदान का देवउठनी एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ से देखिए पंजाब हरियाणा से अधिकतर जो श्रद्धालु हैं वो हरि प्रबोधिनी एकादशी के पावन दिवस पर पवित्र श्री रेणुका जी झील में ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान के लिए पहुँचते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष जो पिछली दशमी थी उस दिन से ही तीर्थ के जो आश्रम हैं यहाँ पर निर्वाण आश्रम है, अपने संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, इनमें जो है अनुयायी भारी राज्यों से भारी मात्रा में स्नान के लिए पहुँचते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज हरि प्रबोधिनी एकादशी है। इस दिन इस पवित्र रेणुका झील में स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि यहाँ पाप नष्ट होते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। इसी आस्था को बांधे चले आने के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु इस दिन रेणुका झील में शाही स्नान करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक परंपरा यहाँ पर अनाज चढ़ाने की भी है। लोग अपने घरों से पंसेरी जिसे 5 मुट्ठी अनाज कहा जाता है या 1.25 किलो अनाज लोग अपने घरों से लाते हैं, उसमें गेहूं मक्की बाजरा जो भी उनके पास संभव हो सकता है वो उसको समर्पित करते हैं। इससे उनके अन्न में बरकत व वृद्धि होती है। वह भगवान परशुराम के नाम का पहला अनाज अपने घर में सुरक्षित रखते हैं जिससे कि वह मेले में जैसा भी मौका लगे मेले में आकर उस अनाज को यहाँ चढ़ाते हैं। इस अन्न से उनके घर में कभी सूखा नहीं पड़ता और अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले में सदियों पुरानी परंपराओं का आज भी निर्वहन लोगों द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये तीर्थ स्थली आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।